कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार द्वारा एहतियात के कदम उठाए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले 50% कर्मचारियों के बाद अब 25% कर्मचारी काम करेंगे, ऐसा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने दिया है, जिसका सभी ने स्वागत किया। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने कोरोना वायरस के रोकथाम करने के लिए सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को 50% तक की संख्या में कामकाज करने को कहा था, जिससे दफ्तरों में भीड़भाड़ न हो। लेकिन फिर से नया आदेश निकालते हुए अब किसी भी कार्यालय में सिर्फ 25% ही कर्मचारी काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर बैठेंगे या वे भी घर से काम कर सकते हैं, ऐसा आदेश अभी आया है, जिसके चलते शहर के लोगों ने उस आदेश का स्वागत ही किया है। वेरी पॉजिटिव स्टेप और होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे है कुछ हद तक कोरोना वायरस का जो फैलने से ये रुकेगा ये चीज़, और हम तो ये कह रहे हैं कि स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीट शटडाउन। तो जो कुछ किया बिल्कुल अच्छा किया, वी सपोर्ट इट, यस डेफिनेटली एग्री भाई। पहले जान, पहले इंडिया, उसके बाद काम का चलता रहेगा। पहले हम फर्स्ट वी शुड डिफीट कोरोना वायरस, आगे तो हम लोग हैं, करेंगे हम लोग आगे काम। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने जो निर्णय लिया है 50% से भी कम 25% कर्मचारी कार्यालय में आके काम करें, इसका हम अपने रेल कर्मचारी और भारत के रहवासी के रूप में हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम ये कोरोना से लड़ाई के लिए हम लोग तत्पर तैयार है। रेल कर्मचारी सदैव आगे की श्रेणी में रहकर पब्लिक से कांटेक्ट में रहकर काम करता है, और रेल हमेशा हम पब्लिक की सेवा में समर्पित है, और हम इन सब का बातों का सराहना करते हैं। शायद DOPT ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी कुछ इसी तरह से ऑर्डर इशू किए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे रेलवे में भी इस तरह की प्रतिक्रिया चालू हो जाए और इस तरह का प्रयोजन चालू हो जाए, जिससे कि कोरोना की रोकथाम जल्द से जल्द हो जाए और कोरोना से लड़कर हम इस देश से इसे भगाने पाए। धन्यवाद। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से कहा है कि 50% कर्मचारी अपने दफ्तर में काम कर सकते हैं, अब उनका एक नया सर्कुलर आया है, जिसके चलते उन्होंने ये कहा है कि अब 25% भी कर्मचारी काम कर सकते हैं, जिसकी सराहना सभी तबकों में की जा रही है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज नागपुर।